चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अभी जहाँ पर आए हैं, ये स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट है। ये अभी अभी माधव महाराज बोल रहे थे ना, यहाँ पर माधव महाराज बता रहे थे कि ये पास में ये गोकुल है, ये पास में ये गोकुल है। कृष्णा 3 साल 2 महीना तक ये गोकुल में कृष्ण रुके, इसलिए इसके अंदर में जितने सारे उनके लीला है वो सारे लीला कृष्णा यहीं पर किए। उतना कुमारे सकटासुर कुमारे उन्होंने तृणावर्त कुमारे यहीं पर उन्होंने मिट्टी खाए, इसलिए कृष्ण सखाओं के साथ में यहीं पर खेलते खेलते यहीं पर आते थे। एकदम पास में ये गोकुल एकदम पास में ही है। एक दिन कृष्ण जब सखाओं के साथ में यहीं पर आए, एक समय सारे सखा लोगों ने सोचा आज हम कन्हैया को हम चिढ़ाए। बोले क्या चिढ़ाएंगे? बोले नंद गोरे जसोदा गोरी, लेकिन तू कहाँ से, ये काला कलुना तू कहाँ से जन्म लेगी, इसलिए ये बोल करके हम कृष्ण को चिढ़ाएंगे। और बोले दाऊ भैया को भी उन्होंने अपना साथ में दल में ले लिया, और उन्होंने देख देख करके अकेले कृष्ण को करके देख देख करके बड़ी जोर जोर से हंस हंस रहे थे। कृष्ण ने देखा भैया चक्कर क्या है, ये मेरे को इसलिए बोले ये सबके सब एक तरफ होकर के मेरे को अकेले करके ये हंस रहे क्यों। इतने में पूछे भैया बात क्या है, तुम लोग मेरे को अकेले करके हंस क्यों रहे हो? बोले कन्हैया इसलिए हम हंस रहे हैं, नंद गोरे जसोदा गोरी, लेकिन तू कहां से, ये काला कलुता तू कहां से जन्म ले लिया, इसलिए तू नंद जसोदा की लाला नहीं हो, इसने तेरे को जन्म दे करके कहीं तेरे को फेंक करके चले गए थे। और तेरे पिताजी जब सवेरे स्नान करने के लिए ब्रह्मांड घाट में आए, तेरे को यहाँ से उठा करके ले आ, ले करके तेरे को केवल पालन कर रहे हैं, लेकिन असलियत में तू नंद जसोदा का लाला नहीं। कृष्ण बोले ये बात सही बता रहे हैं, पिता माता अगर गोरे होंगे तो बच्चा भी गोरा होगा, लेकिन ये पिता माता गोरे हमें काला कैसे। लेकिन जब तक ताऊ भैया नहीं बोले ना तब तक कन्या विश्वास नहीं करते हैं। इतने में कृष्ण बोले ताऊ ये क्या सच बता रहे हैं? बोले और क्या, नंद गोरे जसोदा गोरी तू कहां से काले कलुटे जन्म ले लिया। इतने में कृष्ण को इतना दुख इतना क्रोध आया, कृष्ण तो रो रो कर गोकुल में गए। मैया बोली लाला कहा बात है, तो क्यों रो रहे हो? इतने में मैया कन्या को गोद में उठाना चाहती है, लेकिन कृष्ण तो उठने नहीं चाहते और जमीन के ऊपर में लोट पोट खा करके रो रहे हैं। बोले बात क्या? बोले बात ये है, सबके सब कह रहे हैं मैं तो तेरे लाला है ही नहीं है, और तुम दोनों गोरे में काले कलुटा कहां से जन्म ले लिया, इसलिए मेरे को सबके सब ये चिढ़ा रहे हैं। इसलिए इतने में मैया ने कन्या का सर पर हाथ रख कर दी, कसम खा करके बोले नहीं लाला तू मेरा ही लाला। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो मैया जसोदा वो गोरी नहीं है, वो तो की जाए हो इसलिए इन्होंने ताऊ मोहे बहुत की जायो। इसलिए कहते हैं जो मैया जसोदा की जो रंग है वो गोरी नहीं है, श्याम बन गई। अगर नियम है अगर मैया का गुण अगर बेटे में आए ना रंग, कहते वो बेटे को सौभाग्यवान माने जाते हैं। अगर पिताजी का रंग स्वभाव अगर किसी बेटी में आए वो बेटी को सौभाग्यवान मानी जाती है। इसलिए यहाँ पर यही लीला हुई है, यहीं पर कृष्ण आ करके मैंने
मिट्टी को कृष्ण ने यहाँ पर खाए। बोले कृष्ण मिट्टी क्यों खाए, कारण क्या है? कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आए, रस खान कहते हैं रमण रेती ले तो नहीं कियो ना जमुना पान। कहते ब्रज में आकर के हमें दो काम करनी चाहिए, एक तो रमण रेती में लोट गोट खानी चाहिए, दूसरे ये जमुना के पानी में आचमन लेनी चाहिए। जब तक ये दो चीज नहीं लिए तब तक ये ब्रज की महिमा को कोई समझ नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो आए, कहते हैं ना राधे तेरी चरणों की श्यामा तेरी चरणों की ब्रज धोलो जमिली जाए पर। श्री उद्धव जी भी आए, उन्होंने भी यही चीज को प्रार्थना की, आशा मोह चरण रेणु जुसा मम ध्यान वृंदावन की मती गुलमल दोषित राम। उद्धव जैसे व्यक्ति ब्रज में जब आए, ब्रजवासियों को प्रेम को देखा होगी उद्धव शुद्ध है गयो, इसलिए उद्धव भी सीधा हो गए और लास्ट में ब्रज गोपियों के चरण की धूल को वंदना किया। ब्रह्मा भी आए, उन्होंने भी यही बोले धूल को प्रार्थना ब्रह्मा जैसे करते हैं। बोले ब्रह्मा जी भाई भैया बात ही छोड़ दो, इनकी बात ही छोड़ दो, ब्रह्मा की बात छोड़ दो, कृष्ण भी स्वयं ब्रज रज की प्रार्थना करते हैं। इसलिए बताए अनु ब्रजामि अहम नित्यं हुए एत अंधिर रेणु भी। कृष्ण स्वयं कहते हैं मैं भी भक्तों को पीछे 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 चलता हूँ। बोले क्यों? बोले भक्तों का चरण की धूल पाने के लिए। बोले धूल क्यों पाने के लिए? बोले पूरे एक, बोले पवित्र बनने के लिए। बोले भैया क्या आप अपवित्र हो गए हो? बोले हाँ अपवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले भक्तों से ग्रहण करते 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 करते, अगर किसी भक्तों को कितने भक्त सेवा करते हैं, भक्त लोग भगवान को कितना सेवा करते हैं, अगर मैं भक्तों को पूछूं भैया कुछ चाहिए, बोले न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि स्वरे भवतात् भक्ति आहै तु की तोई। भक्तों को अगर मैं कुछ देना चाहता हूँ, कितना तो पृष्ठम न चपारमेष्टम न सार्वभौम रसाधिपत्यम, वो स्वर्ग लोको मोह लोको सत्य लोको यहाँ तक भी रसातल लोगों को यहाँ तक भी मोक्ष को भी भक्त लोग लेना नहीं चाहते हैं। दिया बोले दिया मान अभी न गृहति मत सेवक मत सेवनों बिना। मैं भक्तों को देने पर भी मेरे भक्त लोग मेरे सेवा के सिवाय कुछ लेना ही नहीं चाहते। अभी कृष्ण सोच रहे हैं अगर किसी व्यक्ति से केवल लो लो और लो फिर क्या होगा, ऋणी बन जाओगे। इसलिए कृष्ण कहते भैया निको तो लेकर लेकर मैं ऋणी बन गया, अगर कुछ भक्तों को मांगू ना कहते सेवा दो फिर ऋणी बन जाता हूँ। अभी इनकी ऋणी से मैं उऋणी कैसे बनना चाहता हूँ, इसलिए कृष्ण सोचे अगर इनकी चरण धूलि ले लू ना मैं उऋणी बन जाऊंगा, लेकिन कोई भक्त मेरे को चरण धूलि लगे ही नहीं कभी, इसलिए मैं क्या करता हूँ भक्तों को पीछे पीछे छुप छुप करके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। बोले क्यों? जब चलेंगे धूल उड़ेगा, धूल उड़ेगा तो मेरे शरीर के ऊपर पड़ेगा तो मैं पवित्र बन जाऊंगा। यहाँ तक भी कृष्ण भी भक्तों का चरण धूलि लेने के लिए कृष्ण स्वयं प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम जो तिलक लगा दिए, तिलक क्या है? ये ब्रजगत धूलि है। यही से ही एक दिन नारद कृष्ण से प्रश्न किए, बोले प्रभु जगत में सबसे बड़े भक्त कौन है? बोले समय आने पर बता दूंगा। इसलिए कृष्ण सर दर्द बुखार की लागी जब किसी तरह से सही नहीं हुई है, नारद जी को बोले कैसे सही होगा? बोले जाओ ब्रजवासी अगर मेरे को चरण धूलि दे वो चरण धूलि से स्नान करूंगा तो मैं पवित्र बनूंगा। लेकिन कोई नहीं दिए, लेकिन जब ब्रज में आए ये ब्रजवासी ही चरण धूलि दिए और कृष्ण नारद जी सर पर लेकर के द्वारका गए और भगवान को उसमें अभिषेक करा दिया। अभिषेक कराए तो ये तिलक कहाँ से आती है?
वही द्वारका से आते हो, क्या है यहाँ की चरण धूलि ही वो रज है जिसको कृष्ण भी स्वयं तिलक रूप में कृष्ण धारण करते हैं। कहते यही धूलि जो थोड़ा बहुत बच गया ना, नारद जी इसी धूलि को लेकर कहाँ पर से नवद्वीप धाम में उन्होंने लेकर के वहीं पर छोड़ दिए। छोड़ दिया तो वही श्री नवद्वीप धाम श्री सचिनंदन गौर हरि जहाँ पर स्वयं प्रादुर्भूत होते हैं वो नवद्वीप धाम नहीं, ये ब्रज की धूलि ही वहाँ पर श्री नवद्वीप धाम रूप में प्रकट हुए हैं। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नवद्वीप धाम की। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ये दुनिया क्यों मेरे चरण धूल को प्रार्थना करते हैं। इसलिए एक दिन कृष्ण खेलते खेलते यहीं पर उन्होंने मिट्टी का ढेला उन्होंने खा ली। सखाओ ने मना की, कन्या मिट्टी मत खाओ, लेकिन सुने ही नहीं, खाते खाते जा रहे हैं। इतने में सखाओ ने जा करके मैया जसोदा से शिकायत करके बोले मैया आज कन्या इतनी मिट्टी खा रहा है, पेट खराब नहीं हो जाए, किसकी बात नहीं मार रहा है। मैया बोले अभी तक मक्खन चोरी चोरी कर खा रहा था, अभी तक मिट्टी भी खाना शुरू कर दिया। सीधा मैया डंडा लेकर के आई, कहाँ पकड़ी, सीधा कान में, और नहीं सीधा कान में पकड़ी, और क्या कहती है, इसलिए उन्होंने सीधा उनके कान को पकड़ लिए और कहते अपवित्र है, अपवित्र दुष्ट। देखो बोले जिनका नाम लेने से जीव पवित्र हो जाते, कहते ना नम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थाम गतो पीवा जस मरेत पुंडलिकाख्यम स बाह्या वेतर सुची। जिनका नाम लेने से जीव पवित्र होते हैं, भैया क्या कहती है, बोले अपवित्र कहाँ कान पकड़ रहे, कान में। सारा दुनिया को जो कान पकड़ करके उठाते बैठाते, आज भैया जसदा उनको कान पकड़ रहे हैं। बोले बताओ तुमने मिट्टी खाई, बोले मैया मैं साची साची बताऊ ना झूठ बताऊ, बोले झूठ क्यों बताओ, साची साची बता दे। बोले मैया आज कहा भयो तेरे को पतो है, बोले कहा भयो, बोले आज मैं सखाओं को साथ में लड़ रहा था, कुश्ती युद्ध कर रहा था, करते करते ना मैं सबको परास्त कर दिया, मेरे साथ में कोई टीक नहीं पाए। सोचे भैया आज तो इसको साथ में कोई टीक नहीं पा रहे हैं, बोले इसको हम मार खिलाएंगे, और जाकर के तेरे पास में शिकायत कर दिया, और तू इतने भोली भाली तू इनकी बात में जल्दी से जल्दी तू आ जाती हो, इनकी बात में ना आ जाती हो, और कहीं बताए। बोले जानते हो भैया कहा भयो, बोले कहा भयो, बोले ये सखा लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ रसमलाई चकाचक चोरी चोरी करके लाते हैं। मैया तेरे को पतो है मैं कभी चोरी का चीज खाता ही नहीं। मैया बोले मेरे को अच्छे तरह से बता तू क्या करता नहीं करता, मेरे को अच्छे तरह से बता है। बोले आज मैंने खाया नहीं, इनको पता चला कि तो घर में चुगली कर देंगे, और मैं चुगली करने से पहले और मेरे नाम पर इन्होंने चुगली करा दिया, और तुम इनकी बात में तो जल्दी जल्दी आ गई। लेकिन इसलिए लेकिन हर माताओं को अपना बच्चों का कर्तव्य तो पता चल रहता है। इतने मैया को पता कन्या बड़ा नटखट है। इतने में कृष्ण ने कहा देखो मैया अगर हमने मिट्टी खाई तो अपना मुंह से तो खाई, बोले हाँ, बोले मेरे मुंह को खोल कर देख ले। कृष्ण ये सोच रहे थे ऐसे हो सकता है अगर मेरे मुंह में बोल दू ना मेरे मुंह को देख लो मैया मान लेगी, लेकिन मैया कहाँ मानने वाली, उनको तो पता है ना कन्या कितना नटखट है। इसलिए मैया तो एक धमकी दिखाई थी, बोले मुंह खोल में देखना चाहता हूँ। जब मैया एक धमकी दिखाए ना, एक धमकी से कृष्ण का मुंह तो खुल गया। जब कृष्ण का मुंह खुल गया इतने में श्री जोग माया क्या करती है, कहते लीला बेसे प्रभुर नाही देहानु संधान इच्छा जानी लीला शक्ति करा समाधान। देखो ये चीज को अच्छे तरह समझो, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहती है कृष्ण लीला को जो पुष्टि करने वाले कौन है, ये जोग माया। कृष्ण कुछ नहीं करते हैं, ये सारे जोग माया कृष्ण की इच्छाओं को जान करके सारे लीला कोई करती है। लेकिन कृष्ण की इच्छा क्या है, बोले भैया मेरे को मारे नहीं, भैया मेरे को मारे नहीं। अभी इच्छा शक्ति ने देखा अभी कृष्ण का मुंह में मिट्टी है, अगर मैया अगर मिट्टी को देख लिया फिर तो हाथ में डंडा एक नीचे नहीं पड़ेगा, वो पीठ के ऊपर पड़ेगा। अगर मैं रहते अगर मेरे प्रभु पीट गए फिर तो मैं जो लीला शक्ति करने वाला फिर तो मेरे ऊपर दोष लग जाए। इसलिए उनकी लीला शक्ति ने किया कि वो छोटी सी मुंह में ना ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दिखा दिया, कितने नदी कितने ब्रह्मा कितने शंकर क्या क्या चंद्र ग्रह नक्षत्र दिखाया,
मैया जसोदा खुद को खुद उसके अंदर में देख रही थी, उसके मुंह के अंदर में स्वयं विद्यमान है। मैया तो डर गई, हे भगवान मैं क्या अलाई बलाई देख रही हूँ, हो ना हो मेरे लाला के ऊपर में कोई भूत, कोई हाँ कोई भूत तो लग नहीं गया, कोई अलाई बलाई तो नहीं लग गई। मैया तो इसलिए डर गई और सोच रही है, हो ना हो ये विश्व ब्रह्मांड किसके मुंह में, भले भगवान के मुंह में होता है। मैया को लगने लगा मेरे लाला तो भगवान नहीं, अभी इच्छा शक्ति योग मैया उन्होंने भी गड़बड़ी हो गई, क्या हो गई, कृष्ण डर गए। अगर मैया को पता चल गया मैं भगवान हूँ, फिर मैया क्या करेगी, जैसे घर में सालक राम के लिए छोटी सी मंदिर बनवाए और उसमें थोड़ी सी लड्डू नहीं तो दूध लग करके घट्टी हिलाते हुए तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देव देव, जैसे मैया भोग लगाकर फिर दरवाजा बंद कर देती है। कृष्ण सोचे अगर मैया को पता चले गया मैं भगवान हूँ फिर तो मेरे लिए भी छोटी सी मंदिर बनवाएगी और मेरे को बंद कर देगी, थोड़ी सी दूध माता सा भोग लगाकर बंद कर देगी। लेकिन ये सखा को साथ में मैं जो इतना आनंद ले रहा हूँ, पर आनंद ले रहा तो खत्म हो जाएगी। इतने में जब कृष्ण की ये इच्छा हुई, जोग मैया देखा गड़बड़ी हो गई, मेरे प्रभु को मन में डर आ गया, फिर कृष्ण की इच्छा को जोग मैया समझ करके उनकी लीला को समाधान कर देती है। फिर सारे विराट रूप को अंतर ध्यान कर दी, अंतर ध्यान करने पर देखा वही छोटा सा मुंह कुछ नहीं है। मैया ने देखा ही भगवान मैंने क्या अलाई बलाई देखा, मैंने क्या अलाई बलाई देखा। हाँ देखो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती वल्लभाचार्य कहते हैं, बोले ये बताओ भगवान मिट्टी खाएगी नहीं, बताओ बोलो खाएगी नहीं भगवान मिट्टी, बोलो खाएगी नहीं, अगर भगवान मिट्टी खाए, इसलिए श्री वल्लभाचार्य देख रहे हैं भगवान मिट्टी खाए। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं ना अहम भक्षीत बानम को सर्वे मिथ्या विसर्जन, बोले मैया ये जितने सखा थे ना ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, लेकिन कृष्ण यहाँ पर बोलते मैंने मिट्टी